पुरुष कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचे अमन सहरावत। 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में अल्बानिया के जेलिम खान को दी पटखनी। आज रात होगा सेमीफाइनल। लोकसभा से फिलहाल पास नहीं हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सरकार ने बिल जेपीसी को भेजने की सिफारिश। संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा बिल। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विपक्ष ने जताया विरोध। अखिलेश यादव ने बताया सोची समझी राजनीति, तो वहीं ओवैसी ने सरकार को बताया मुसलमानों का दुश्मन। सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों से मिले राहुल गांधी। मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों से भी की मुलाकात। संसद के कार्यालय में की बैठक। सीबीआई मामले में 20 अगस्त तक बढ़ी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। रॉस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत की अवधि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए केजरीवाल। शेख हसीना के बेटे सजीव का बयान, कहा लोकतंत्र बहाल होते ही बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। तख्तापलट के बाद से ही भारत में है शेख हसीना। बांग्लादेश की स्थिति पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। सरकार से की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की मांग। विनेश फोगाट के संन्यास पर महावीर फोगाट का बयान, कहा विनेश से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करने की करूंगा बात। ओलंपिक फाइनल से पहले डिस्क्वालिफाई होने के बाद विनेश ने की थी कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा। जम्मू कश्मीर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। कुछ ही दिनों में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। झारखंड महाराष्ट्र हरियाणा के साथ जम्मू में भी होंगे विधानसभा चुनाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की घोषणा, यूपीआई से एक दिन में कर सकेंगे 5 लाख तक की टैक्स पेमेंट। अब तक 1 लाख तक की थी लिमिट। रेसलर अमित पंघाल पर एक्शन लेगा भारतीय ओलंपिक संघ। अपनी आईडी कार्ड पर बहन को ओलंपिक विलेज घुमाने का है आरोप। पूरी टीम को वापस भेजा गया भारत। हाजी अली दरगाह पहुंचे अक्षय कुमार। दरगाह में 1 करोड़ 21 लाख रुपए किए दान। आगामी फिल्म खेल खेल में के लिए मांगी दुआ। एक्टर नागा चैतन्या ने शुभिता धुलीपाला से की सगाई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। पहली पत्नी सामंथा के तलाक के बाद शुभिता को डेट कर रहे थे चैतन्या। जापान में 7.1 तीव्रता का आया भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को किया गया शिफ्ट। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 581 अंकों की गिरावट के साथ 78,886 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 180 अंकों की गिरावट के साथ 24,117 पर क्लोज हुआ निफ्टी।